दुनिया तक पर टॉप फाइव में देखी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समुद्री और सुरक्षा सहयोग पर त्रिपक्षीय वार्ता के लिए कोलंबो पहुंच गए हैं। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने बताया कि यहां पहुंचने पर डोभाल का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिल्वा ने स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान भारत, श्रीलंका और मालदीव के सीनियर अधिकारी आपस में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। फ्रांस में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक अश्वेत युवक को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ये बेहद ही शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे सामने प्रपोजल्स लेके आए जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस फ्रांस की पुलिस में बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि हम वो सभी कदम उठाएंगे जिससे कि हमारे देश में हो रहे भेदभाव को कम किया जा सके। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक आइसक्रीम शॉप पर शनिवार को आत्मघाती विस्फोट हो गया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल शबाब ने ले ली है। हमला अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा सचिव क्रिस्टोफर मिलर के दौरे के कुछ ही घंटों बाद हुआ है। मिलर मोगादिशु में स्थित अमेरिकी राजदूत और सैन्य कर्मचारियों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कोरोना वायरस और आर्थिक क्षति से बचाव के उपाय के तहत 2 लोगों को फांसी पर चढ़ाने, समुद्र में मछली मारने पर प्रतिबंध लगाने और राजधानी प्योंगयांग को बंद करने का आदेश दिया है। फिलहाल फांसी पाए दोनों लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। ये जानकारी दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने शुक्रवार को अपने सांसदों को दी। अमेरिका में हालात सुधरते नहीं दिखते। यहाँ के अस्पतालों में इस वक्त 90,000 से ज्यादा संक्रमित भर्ती हैं। क्रिसमस करीब है और संक्रमण काबू में आता नहीं दिखता। अमेरिका में एक फेस्टिव सीजन के चलते लोग काफी यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं यूरोप के दूसरे देशों की तरह जर्मनी में भी संक्रमण की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है। शुक्रवार को यहां संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया। बता दें, दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.19 करोड़ के पार हो गया। 4,27,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 14,48,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।